पंद्रह समझ के वोट एक तरफ पति पंद्रह करा है और एक तरफ इस बार मैं प्रशासन से भी यही मांग करता हूं और शासन से भी यही मांग करता हूं बदला जी की सिक्योरिटी मेरी तरफ से और बढ़ा दी जाए। हम कोई मुद्दे बदमाश नहीं है, हम गरीबों के मसीहा करना चाहते हैं। यह इस शहर को एक ईमानदार और सच्चे प्रत्याशी के रूप में भाई अस्पताल राणा को जिताना चाहते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो हाथ उठाकर जरा मुझे बताएं। व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करता हो तो मैं कह सकता हूँ ऐसा ही व्यक्ति रुड़की का विधायक होना चाहिए। और आज आपकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि आप लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करते हुए राणा जी को यहाँ से प्रचंड बहुमत से आप जिताने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यशपाल राणा जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रुड़की से। आज उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। प्रीतम सिंह जी यहां पर पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हमारे सीएलपी लीडर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी ने, दीपिका पांडे जी ने कार्यालय का आज उद्घाटन किया है और यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ गया है ये इस चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी की सरकार सीट निकलने जा रही है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। मैंने आज देखा कि भाई आज बहुत से लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन भी की है और संजीव ग्रोवर जी ने और जो अरविंद कश्यप जी हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की है, उसको लेकर क्या? देखिए, संजीव ग्रोवर मेरा भाई है और अरविंद कश्यप मेरा बड़ा भाई है। अरविंद कश्यप ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उनका बीजेपी के अंदर दम घुट रहा था। आप देखें जो मदरसे पालन बोर्ड है वो हमेशा से, चाहे वो यूपी हो और चाहे वो उत्तराखंड गवर्नमेंट हो, वो कश्यप समाज को मिलता था। जब कश्यप समाज से वो मदरसे पालन बोर्ड ही छीन लिया गया तो जब बीजेपी किसी समाज का जो अधिकार है वही छीन रही है तो मैं तो इधर उधर जाएंगे ही। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी आस्था रखी है और जो मदरसे पालन बोर्ड है वो मिलना चाहिए, कश्यप समाज को मिलना चाहिए। आपने अपने वक्तव्य में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। आपने कहा है कि भाई वो अपने आप दंगा करवा सकते हैं और मेरे नाम लगा सकते हैं। आपने कहा कि भाई मेरा जो ईमानदारी छवि है उसे धूमिल किया जा रहा है, आपने ये भी कहा। देखिए, भाजपा का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि मैं दंगा कराऊँ और सीट जीतूँ। इस बार ये होने नहीं जा रहा है। मैं दबंग नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी को अगर कोई कुचलने का काम करेगा मैं उसके लिए 24 घंटे सदा तत्पर खड़ा रहूँगा। तो रुड़की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रुड़की की जनता को डिसाइड करना है कि ईमानदार व्यक्ति को वोट देनी है, बेईमान व्यक्ति को वोट देनी है। आपके सामने चेयरमैन का उनका कार्यकाल रहा है, दूसरा विधायक का कार्यकाल है, वर्तमान में भी विधायक रहे हैं, अब चुनाव है, उनका एक कार्यकाल। बताएं मुझे कि कौन सा विवादों के बीच में नहीं रहा। चंद्रशेखर शहीदों का जो अपमान करता हो उसकी लड़ाई हमने लड़ी। अब आज हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया वहीं चंद्रशेखर जी की मूर्ति वहीं रखी गई ना। रामनगर में भी पोस्टर चलते हैं। देखिए, रामनगर के जब दुकानदारों से उन्होंने 5-5 लाख रुपए लिए तो 5 लाख रुपए की रसीद उन्होंने कटाई क्यों नहीं? उन्होंने अपना पेट भरा। अगर वो 5 लाख रुपए की रसीद कटी हुई होती तो रामनगर के दुकानदारों की दुकान कतई भी हाई कोर्ट सील नहीं करता। तो जब वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तभी तो ऐसा काम हुआ। रामनगर को तो छोड़िए, उनका नौकर सुधांशु बिष्ट जिसके नाम 9 दुकानें हैं, सुधांशु बिष्ट मैं नाम ले रहा हूँ, रसीद कटी हुई है। पूर्व विधायक बसपा के हाजी मोहम्मद सजाद जी, उनसे भी उन्होंने पैसे लिए, आज वो भी सील है। रामनगर ही सील नहीं है। देखो, रामनगर की दुकानों का निवारण होगा, प्रदीप बतरा के बस की बात नहीं है, वो कर ले। मैंने रामनगर की जब दुकानों में हुआ था मैंने
पार्षद ने बेबी खन्ना जी जब भी भेजा था, उससे पैसे लाओ और जितने पैसे दे रखे नगर निगम में जमा कराओ, दुकान उनकी है। आप एक तरफ तो 5 लाख रुपए ले रहे हो और रसीद कटा रहे हो 35,000-75,000 की। कितनी दुकानें हैं? 39 दुकानें हैं। 39 दुकान के अंदर से 4.25 लाख रुपए के हिसाब से अगर देखी जाए तो कितने पैसे बनते हैं, आप ये देख लेना। कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है, मैं समझता हूँ मुझसे बेहतर आप उसके बारे में जानते हैं। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहित संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। इस सरकार ने क्या दिया इस उत्तराखंड राज्य? इस सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री दिए, लेकिन ना तो विकास ये सरकार कर पाई, ना ही अर्थव्यवस्था को संभाल पाई। तो इस बार कितनी आ रही है 70 में से सीटें? जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है, जिसको वो बार बार टेलीविजन के माध्यम से आम जन को कहने का काम करते हैं, उस लक्ष्य को कांग्रेस हासिल करेगी। बहुत बहुत। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कश्यप जी, जिन्होंने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चलिए बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? आज कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन है, आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, अब क्या रणनीति है? पहले तो आप सभी का धन्यवाद। हमारी रणनीति ये रहेगी कि हमारे विधायक यशपाल राणा है, इनको भारी मतों से जिताना है, क्योंकि मैं लगातार 32 साल से भाजपा में जुड़ा हुआ था। 1990 से आप? बिल्कुल, मैं जब पार्षद बना था 89 में पहली बार, तभी हमने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। हम लगातार भाजपा में अपनी सेवाएँ दे रहे थे, जो भी उनका तन मन धन से लगे हुए थे, मगर इन्होंने हमारे समाज को अनदेखा कर जो हमें एक जी ये नहीं देखा जाता कि भाई जो समाज है, कसब समाज है, वो बीजेपी का कट्टर वोट माना जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं है ना ऐसी बात? पहले था मगर अब नहीं है, क्योंकि 2017 के 2019 का चुनाव हम भी बिल्कुल भाजपा के साथ थे, मगर हम 2-3 साल से लगे हुए थे कि भाई हमारे समाज को कोई भी पद मिले, ये नहीं कि मुझे पद मिले, मेरे समाज के कोई छोटे वोट बैंक बन, वोट बिल्कुल रह गए। हमेशा से उन्होंने भाजपा का साथ दिया है और अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारा समाज जो है सभी पूरी 11 विधानसभा में कांग्रेस के लिए वोट मांगेगा। यूपी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है? यूपी में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आप खबर सुन रहे होंगे, यूपी में भी हमारा बहुत बड़ा समाज है और वहाँ से तो हमारे संजय निषाद जी जो हैं वो बहुत आयोग को लेकर कुछ बात कर रहे थे, वो भी दूसरे लोगों को दे दिया जाता। हमने कई बार कहा इनसे, हमारे जो शीर्ष नेता थे भाजपा में, बहुत बार हम देहरादून गए, सबसे मिले, मगर वो हमें आश्वासन देते रहे झूठे, और इसकी वजह से हमने भाजपा को छोड़ना पड़ा और आज हम कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करिए। धन्यवाद, जय। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात है कि भाई अरविंद कश्यप जी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस के लीडर भी है, जय भगवान कश्यप जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आज वो क्या कहना चाहते हैं। आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन है। सम्मानित गण, धन्यवाद आपका। जो आज कार्यालय का बीटीगंज में यशपाल राणा जी का उद्घाटन हुआ है, आज हम इसके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि मेरा नाम जय भगवान कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी विभाग पिछड़ा वर्ग, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे कश्यप समाज से वादा किया था वो वादा नहीं निभाया, तो बीजेपी झूठी सरकार है, जो वादा किया है उसको नहीं निभाया, उससे हम त्रस्त होकर परेशान होकर कांग्रेस का दामन थामा है, और अब कश्यप समाज अपने हक अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा। जैसे अभी हमारे अरविंद कश्यप जी ने, व्यापार मंडल अध्यक्ष जी ने बताया है कि हम हर विधानसभा में कश्यप समाज में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी हमारे हक अधिकार की, पछुआ समुदाय के हक अधिकार की, कश्यप समाज जैसे बालू खनन, बोरंग और सरणी 3 के पट्टे हैं, मछली पालन का कार्य है, उसको देने का कार्य हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी तो कश्यप समाज के 2 राज्य मंत्री और जो तालाब, झील, नदी, बालू खनन के कार्य है वो इनको दिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी बात है, यहाँ पर संजीव ग्रोवर जी ने भी कांग्रेस का दामन थामा है, और आपने देखा होगा कि कितना जन समर्थन यशपाल राणा को मिल रहा है। आने वाले 14 तारीख को ये पता होगा कि जीतेगा कौन। रुड़की का मेयर पहले यशपाल राणा थे, फिर अब गौरव गोयल हैं, अब विधायक की बारी है, क्या विधायक ही जीते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये भविष्य के गर्व में है। नितिन कुमार उड़की हब से।